शिखा चंडीगढ़ में वाणी चल रही थी 31 अक्टूबर 2006 की अभ्यर्थ वाणी। तीसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी फास्ट गति करो, अभी स्वयं की भी फास्ट गति करो और औरों को भी योग्य बनाने की कोशिश करो। क्यों? अभी फास्ट गति करने की क्या खास बात? बोला क्योंकि अब अंतिम समय है, रिजल्ट आउट होना शुरू हो गया है, अष्टदेवों में भी 2 नंबर आउट कर दिए। बोला है सिर्फ 2 नंबर आउट हुए हैं, बाप और माँ में से, इसमें से 2 नंबर आउट हुए हैं अष्टदेवों में से। अभी कोई भी भाई बहन का 3रा नंबर आउट नहीं हुआ है। तो नया कोई भी मेकअप कर सकता है, इसलिए फास्ट गति करो अच्छा है। फॉरेन की सेवा भी अच्छी वृद्धि को प्राप्त कर रही है, 90 देशों तक पहुंच गए हैं। और 100 में रजिस्ट्री भी हो चुकी है। बाकी में कुछ न कुछ बाबा का कार्य चल रहा है अच्छा है। ये बात जयंती बहन ने बताई। 129 कंट्रीज तक पहुंच गए हैं। बाप दादा ने अफ्रीका का भी समाचार सुना था। वह भी थोड़े टाइम में अच्छी वृद्धि कर लिए है अच्छा है। बाप दादा खुश होते हैं कि अफ्रीका की मर्सीफुल आत्माएं हैं। आत्माओं के प्रति प्यार है। और देखो कहां कहां से बच्चे पहुंचे हुए हैं, चाहे और धर्म में भी चले गए हैं, कितने बिखर गए हैं। तो अपने परिवार को ढूंढ कर निकालना तो है ना। अच्छा कर रहे हैं सर। अभी दिल्ली में भी बड़ा प्रोग्राम है तो मेला कॉमन बात, लेकिन नए रूप से करने से लोगों को भी रुचि होती है। लंदन का प्रोग्राम भी अच्छा किया और इतने लोगों को परिचय भी मिला। अभी जो भी एड्रेसेस हैं उनसे कांटेक्ट करके जहां भी आए हुए हैं और जहां से भी आए हुए हैं, जिस प्रोग्राम में भी कोई आते हैं तो एड्रेस और फोन जरूर लिखाओ। चाहे 8-10 जगह पर रखो, क्योंकि तभी उनको बुला करके समय दे करके फिर उनको आगे बढ़ाई सकेंगे। बाकी समय का बिगुल तो अचानक बजना है।
उसके पहले अपने भाई बहनों का कल्याण तो करना है ना। तरस आता है ना। अभी छोटी छोटी बातों में टाइम नहीं लगाओ। जैसे देखो मक्खी आती है, मच्छर आता है, ठहरने देते हो या फौरन उड़ा देते हो या बैठने देंगे? अच्छा मच्छर भले आओ, कोई भी समस्या हो क्या है, मच्छर और मक्खी ही तो है, उसको फौरन भगाओ। उनों का काम है आना, माया आने का काम नहीं छोड़ती है, लेकिन ब्राह्मण भगाने के काम में कभी कभी थोड़ी देर ही लगा देते हैं। बाकी बाप दादा ने सभी देशों का कुछ कुछ परिवर्तन किया है, वो लिखत देखी, 5-6 खंडों का देखा, लेकिन परिवर्तन किया और लिखा है, उसकी मुबारक तो है, लेकिन इसको अविनाशी बनाना। ऐसे नहीं कि कोई छोटी सी बात आ गई परिवर्तन बदल जाए, ये नहीं करना। अमर भव का वरदान लो, जो परिवर्तन किया है बाप दादा ने सुना, कोई कोई ने अच्छा परिवर्तन किया है, लेकिन सदा शब्द को कभी नहीं भूलना, क्योंकि माया भी सुन रही है कि ये प्रतिज्ञा कर रही है। कौन सुन रही है, काहे से सुन रही है? माया को कान है क्या? इस सभा में बाप दादा बोल रहे हैं, उस सभा में माया भी बैठी हुई है क्या जो सुन रही है? सुन रही है तो कान भी होंगे, क्या सुन रही है कि ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं? वो भी तो अपना आजमाइश करेगी, लेकिन आप तो माया जीत हो ना, माया जीत होंगे तब तो जगत जीत बनेंगे ना। तो माया को देख करके, माया का आना देख करके आपको याद आए कि मेरा काम है भगन, वो भी आपको सिखलाती है कि मैं आना नहीं छोड़ूंगी। आप विजय पाना नहीं छोड़ो तो क्या करेंगे? अभी छोटे छोटे मच्छर और मक्खी को आने नहीं देना। संपूर्ण स्थिति के आगे ये छोटी छोटी चीजें क्या चीज है? अच्छा, आप सबकी प्यारी प्यारी मीठी दादी सन्मुख आ गई है, बहुत मीठा मुस्कुराए रही है। इकतीस अक्टूबर 2006 की वाणी का चौथा पेज देखो, सभी हाथ हिलाओ, देखेगी वहां दिखाई देगा। अच्छा है, देखो दादी ने ब्रह्मा बाप से भी ज्यादा समय सेवा का पार्ट बजाया है, तो विशेष हीरो एक्टर है ना। देखो दादी आपको देख करके सभी बहुत बहुत खुश हो रहे हैं। दादी ने सभी जबल विदेशियों को खास याद देते हुए दीपावली की मुबारक दी। देखो यह भी प्रैक्टिकल दिवाली है ना,
आप प्रैक्टिकल इतने जगे हुए दीपक चमक रहे हो, तो दादी को दिवाली याद आ रही है। कितनी ही रिमझिम है, एक एक के मस्तक में आत्मा चमक रही है। तो ये दीपक कितने अच्छे हैं, अविनाशी दीपक हैं। दादी ने कहा सभी बाबा बाबा कर रहे हैं, बाबा आपकी याद बहुत याद आ रही है। बाबा बोले अभी जल्दी जल्दी आएगी, देखो बीमारी कितनी भी हो लेकिन दर्द की फीलिंग नहीं हो तो वो बीमारी भी आराम देती है। इसके बारे में बोला दादी, लंबे समय से बीमार चल रही है ना, तो देखो ये हीरो एक्टर है ना, शांति की देवी है, अभी जल्दी आ जाएगी, आप सबसे मिलेगी। अच्छा, लंदन के प्रोग्राम का जस्ट ए मिनट ग्रुप, बहुत अच्छा, ये विशेषता अच्छी रही जो एक साथ और देशों ने भी भाग लिया, देखा भी, तो ये नवीनता अच्छी रही। और इसको और भी रिफाइन करके एक ही समय पर अनेक तरफ एक ही सेवा का आवाज होती, तो ये अच्छा है, रिफाइन होता जाएगा और बढ़ता जाएगा, तो सभी को पता पड़ेगा कि एक ही समय पर एक ही आवाज चारों ओर गूंज रहा है। तो सभी ने मेहनत बहुत अच्छी की और दिल से किया, और विशेषता लंदन की रही कि बड़ी दिल से बेफिक्र होकर के किया। इसकी मुबारक। कोई भी प्रोग्राम अगर बड़ी दिल से करते हैं तो अच्छा होता है। क्या होगा, कैसे होगा, ये कह कह की आवाज ना आवे, होना ही है और करना ही है। सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो ये अच्छा रिजल्ट है। लंदन की बड़ी दिल है, जनक बच्ची की बड़ी दिल नंबर वन क्यों है, वो क्या नहीं सोचती, हो ही जाता है। सभी ने देखा होगा तो कितना सहज हो गया, बाप दादा ने सुना कि खर्चा तो हुआ लेकिन और ही बचत हुई, बच गया और ही बढ़ गया, कम नहीं हुआ, तो ये किसकी कमाल है, बड़ी दिल की। कभी भी कोई भी प्रोग्राम करो तो पहले बड़ी दिल करेंगे तो सफलता होगी। तो मुबारक है इस बात की बड़ी दिल। और कौन सी सफलता की बात बताई, कोई बड़ा प्रोग्राम करते हैं तो खर्चा तो बड़ा होता है लेकिन जितना बड़ा खर्चा होता है उससे जास्ती आ जाता है, तो बचत तो हुई ना, तो मुबारक है। यही दिल की और बड़े प्रोग्राम की मुबारक है, बाकी रिफाइन तो होता रहेगा, एडिशन होती रहेगी, सभी पीट करना, इतने जो आए उनसे कम से कम कुछ तो संबंध संपर्क वाले स्टूडेंट बने ना, बनेंगे। बोला अमेरिका की मोहिनी बहन का बहुत अच्छा सहयोग रहा, अच्छा सभी ने मिलके किया है ना, अच्छा है, बहुत अच्छा, संगठन की शक्ति कमाल करती है, तो संगठित हो करके किया ये सफलता है और ये सफलता रहेगी।
थकावट नहीं हुई ना, खुशी हो गई। जब देखा सभा में रौनक हो गई तो खुशी हो गई। अच्छा मुबारक आईटी ग्रुप, अच्छा है। आप लोगों के कार्य से सभी तरफ जो समाचार मिलता है तो सभी की दिल खुश हो जाती है, क्योंकि परिवार है ना, तो परिवार में समाचार मिलने से खुशी होती है। तो अच्छा किया है, चलता तो रहता था काम, लेकिन अभी संगठित रूप में मिलकर के कायदे प्रमाण कर रहे हैं, बढ़ाए गए हैं, ये बहुत अच्छा बनाया है और बढ़ाया भी है। इसमें अपोजिशन तो होगी, लेकिन आप अपनी पोजीशन में दृढ़ है तो अपोजिशन खत्म हो जाएगी। अपोजिशन हो तब तो आपको मंगावे, यह करें तो अपोजिशन पोजीशन को बढ़ाई लेती है और सफलता मिलती भी है और मिलती रहेगी, ये निश्चित है। कभी भी कुछ भी हो जाए घबराना नहीं। सफलता आपके साथ है, अपोजिशन के साथ नहीं है। जो पोजीशन में रहने वाले हैं उनके साथ है, बहुत अच्छा कर रहे हैं। हर एक देश में सिस्टम अच्छी बनाई है। आईटी ग्रुप की मुख्य मोहिनी बहन है, अच्छा है। कोई कायदे प्रमाण निमित्त बनता है तो जो भी कार्य होता है उसमें कायदे से फायदा होता है, अच्छा। हिम्मत रख करके उठाया है, इसकी बहुत बहुत मुबारक। हर एक देश से बाप दादा के पास समाचार आते रहते हैं, कैसे आपस में मीटिंगें करते हो, कैसे आगे का प्लान बनाते हो, बाप दादा के पास पहुंचते हैं, इसलिए मुबारक हो। आरसीयू ग्रुप, अच्छा, ये प्लानिंग बुद्धि वाली आत्मा है। नए नए प्लान बनाते रहते हो, चारों ओर सेवा की वृद्धि, ब्राह्मण आत्माओं में भी वृद्धि कैसे हो, विधि क्या हो, ये आपस में मिलकर जो मीटिंग करते हो ये बहुत अच्छा है। बाप दादा के पास सब समाचार तो उसी समय से पहुंच जाते हैं, क्योंकि बाप स्विच ऑन करता है टीवी का तो उसमें सब दिखाई और सुनाई देता है, तो बाप दादा को पसंद है। आपस में मिलकर के प्लान और प्रोग्राम बनाते हो और प्रैक्टिकल में लाने का अच्छा पुरुषार्थ करते हो। बढ़ते चलो, बढ़ना है और सफलता बच्चों के गले का हार है। अच्छा, मुख्य सभी इकट्ठे हो जाते हैं तो प्लान भी ऐसे ही बड़े अच्छे बनते हैं, सभी देश के मिल जाते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा, बढ़ते रहो, उड़ते रहो। सेवा के निमित्त और भी मुख्य बहने बाबा के सामने खड़ी हो गई। अच्छा, ये भिन्न भिन्न देश की है, आपस में मिलकर के भविष्य सेवा के प्लान बनाती, चारों ओर के वायुमंडल को जान करके वायुमंडल को भी एक दो की राय से पावरफुल बनाते हो, क्योंकि वायुमंडल का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। 31 अक्टूबर 2006 की बड़ी तो 5 वर्ष, उस सेवा की भी प्लान वृद्धि को बनाते हो, वृद्धि के बनाते हो और फिर सेंटर्स के भी वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने के प्लान जो आपस में राय सलाह करके बनाते हो, उसमें देखा गया है कि समय प्रति समय वायुमंडल अच्छा ही बनता जाता है, वृद्धि भी अच्छी है और विधि भी अच्छी है और विधि की सिद्धि भी है, तो संगठन की शक्ति है ना, संगठन की शक्ति बहुत कमाल करती है, करना ही है। आपस का मिलना भी हो जाता है और सेवा की वृद्धि भी हो जाती है,
और एक दो के समीप भी आ जाते हैं। तो ये जो प्रोग्राम बनाया है बाप दादा को पसंद है, और ड्रामा अनुसार आपको मधुबन का भी चांस मिल जाता है। ये संगठन बहुत करके मधुबन के वायुमंडल में होता है, और भी संगठन की शक्ति को बढ़ाते जाओ। जब शक्ति सेना अपनों को प्रत्यक्ष करेगी तब बाप प्रत्यक्ष होगा। क्योंकि शक्ति और पांडवों के द्वारा ही बाप प्रत्यक्ष होने हैं। तो पहले शक्तियां या पांडव, दोनों ही खुद अपने को संपूर्ण प्रत्यक्ष करेंगे तब बाप प्रत्यक्ष होगा। हर एक के चेहरे से बाप ही दिखाई देगा। इतनी संगठन में शक्ति है तो अच्छा लगा, आप सभी को भी अच्छा लग रहा है ना। संगठन की शक्ति को बढ़ाते चलो, बाप को प्रत्यक्ष करते चलो, मुबारक हो, अच्छा है। मेजॉरिटी भारत की बहनें हैं। देखो पहले भारत गया है विदेश को जगाने के लिए, अभी विदेश भारत में जगावेगा। मेजॉरिटी भारत की है तो विदेश भारत को कब जगावेंगे? वो आईटी ग्रुप जगाएगा, अच्छा है, कनेक्शन अच्छा हो रहा है अफ्रीका वाले ग्रुप से। देखो अफ्रीका वालों को एक बात की बहुत बहुत मुबारक, जो वायदा किया वो पूरा निभाया। संगठन की शक्ति से एक दो के सहयोगी अच्छे बने हैं, और ऐसे देश जहां अपने परिवार के लोग पहुंच गए हैं उन भाई बहनों को ढूंढ कर निकालना, ये मेहनत भी की है तो विधि भी अच्छी की है, और समय पर सफलता प्राप्त कर ली है, उसकी बहुत बहुत मुबारक, अच्छा किया है, मेहनत अच्छी की है। जो निमित्त बने हैं ना वो भी आपस में संगठित रूप में अच्छे चले हैं और चल रहे हैं, ये भी बात है ना। जयंती बहन आप भी उठो, अच्छा किया, एक दो का सहयोग अच्छा है, बाप दादा को दिखाया था शक्तियां भी निमित्त हैं और पांडव भी निमित्त हैं, बहुत अच्छा रिकॉर्ड रखा हुआ है, बहुत अच्छा। सफलता की माला तो बाप दादा पहनाए रहे हैं, वो माला तो क्या पहनाएंगे, वो तो माला पहना करके फिर उतार देंगे, लेकिन सफलता की माला एक एक को बाप दादा पहनाए रहे। अच्छा पदम गुना मुबारक। दिल्ली ओआरसी में एसएमएल की ट्रेनिंग करने कराने वाला ग्रुप सामने है, अच्छा है। जितना अभ्यास करते हैं उतना पुण्य कमाते हैं, दूसरों की सेवा करके परिवर्तन कराना, ये सेवा का पुण्य जमा हो जाता है, और ये पुण्य वर्तमान समय खुशी दिलाता है और भविष्य में भी जमा होता है। जितनों को कराएंगे इसलिए किया है, कराने के लिए ना, तो इतने सारे हैंड्स कराने के लिए तैयार हो गए।
तो कितने पुण्य जमा हो जाएंगे? सेवा अर्थात पुण्य जमा करना, कोई भी ग्रुप हो, जितने भी ग्रुप हो, उन सभी ग्रुप्स ने भिन्न भिन्न प्रकार की सेवाएं की हैं, उनों का पुण्य जमा हो गया और जमा करते रहना, इसीलिए सीखो हो ना, होशियार हो गए ना, औरों को भी करा सकेंगे ना, एक दो को आगे बढ़ाना ये भी अच्छा किया, निमित्त बने ना, निमित्त बनने वाले का पुण्य भी जमा होता है, तो बाप दादा खुश है, लेकिन जो सीखा है वो सिखाने में नंबर बनाना, अपने तक नहीं रखना, काम में लगाना, समय दिया है और निमित्त का समय लिया है तो और आगे बढ़ाना, मोबाइल बहुत अच्छा है। जो ग्रुप में नहीं भी उठे हैं उनों को भी बहुत बहुत मुबारक, किसी न किसी सेवा में आपका भी ग्रुप है इसलिए इन्हें एडवांस मुबारक। अच्छा, अभी सेकंड में जिस स्थिति में बाप दादा डायरेक्शन दे उसी स्थिति में सेकंड में पहुंच सकते हो कि पुरुषार्थ करने में समय चला जाएगा, अभी प्रैक्टिस चाहिए सेकंड की, क्योंकि आगे जो फाइनल समय आने वाला है जिसमें पास विदानर का सर्टिफिकेट मिलना है उसका अभ्यास अभी से करना है, एक सेकंड में जहां चाहे जो स्थिति चाहे उस स्थिति में स्थित हो जाए, तो एवर रेडी हो, रेडी हो गए? अभी पहले एक सेकंड में पुरुषोत्तम संगम की श्रेष्ठ ब्राह्मण हो इस स्थिति में स्थित हो जाओ, अभी मैं फरिश्ता रूप हूं, डबल लाइट रूप हूं, अभी विश्व कल्याणकारी बन मनसा द्वारा चारों ओर शक्ति की किरणें देने का अनुभव करो, ऐसे सारे दिन में सेकंड में स्थित हो सकते हैं, इसका अनुभव करते रहो, क्योंकि जो कुछ भी होना है अचानक ही होना है, ज्यादा समय नहीं मिलेगा, हलचल में सेकंड में अचल बन सको, इसका अभ्यास स्वयं ही अपना समय निकाल करके बीच बीच में करते रहो, इससे मन का कंट्रोल सहज हो जाएगा, कंट्रोलिंग पावर रूलिंग पावर बढ़ती जाएगी। अच्छा, चारों ओर के बच्चों के पत्र भी बहुत आए, अनुभव भी बहुत आए, तो बाप दादा बच्चों को रिटर्न में दिल की दुआएं और दिल का प्यार दे रहे हैं, पदम गुना दे रहे हैं, बाप दादा देख रहे हैं, चारों ओर के बच्चे सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, जो नहीं भी देख रहे हैं वो भी याद में तो है, सबकी बुद्धि समय मधुबन में, तो चारों ओर के हर एक बच्चे को नाम सहित याद प्यार स्वीकार। 31 अक्टूबर 2006 की वाणी का छठा पेज। सभी सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा ऊंची स्थिति में उड़ते रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्नेह में लवलीन रहने वाले समय हुए बच्चों को, सदा मेहनत मुक्त समस्या मुक्त विघ्न मुक्त योग युक्त राजयुक्त बच्चों को, सदा हर परिस्थिति में सेकंड में पास होने वाले
हर समय सर्वशक्ति स्वरूप रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। किसको किसको नमस्ते? मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों को नमस्ते और बाकी को झुकते नहीं। आप सबकी प्यारी दादी को भी बहुत बहुत दुआएं और याद प्यार दादियों से। ये मुक्तावस्था भी बहुत काल की चाहिए। ग्रहाचारी हो या विघन हो, कोई भी ऐसी चीज न रहे, स्वदर्शन चलाते रहे ना, तो परदर्शन परचिंतन खत्म हो जाए। पहले डबल विदेशी करके दिखाएं, करेंगे ना, निमित्त बन के दिखाना। माया मुक्त, माया को विदाई दे दो तो बाप की बधाइयां मिलेंगी। किसे बोला? जो भी दादियां हैं, चाहे बेसिक की है चाहे एडवांस की है, माया को विदाई देंगे तो बाप की बधाइयां मिलेंगी। माया को सदा के लिए विदाई देना अर्थात बाप की बधाइयां लेना। दादी की तरफ से मोहिनी बहन ने भाखी पहनी। आप सबको पता है कि आप सबकी एक परदादी भी है, तो वो परदादी भी बहुत मीठा पार्ट बजाने वाली है। उसने भी बहुत बहुत बाप के साथ आप सबको भी बहुत याद प्यार भेजी है और बाप दादा उसकी हिम्मत पर बहुत खुश हैं। कोई भी डॉक्टर आता है तो डॉक्टर को भी ज्ञान देना शुरू कर देती है। डॉक्टर उसको समझते हैं पेशेंट और वो उसको ज्ञान दे करके पेशेंस में रहना सिखाती है, तो वो भी बहुत अच्छा पार्ट बजा रही है और याद में रह करके आगे से आगे उड़ रही है, बेड में होते हुए भी उड़ रही है। तो सबने याद दी पर दादी को, तो बहुत बड़ी ऐसी याद चाहिए। अच्छा, बहुत अच्छा। दादी की तरफ से मोहिनी बहन ने और दादी जानकी ने बाप दादा को भाकी पहनी। आप तो भाकी में हो, ऐसे औरों को भी लेना पड़ेगा। औरों को माना किसको? दीदी दादियां तो बाकी पहनती हैं बाप दादा की और बाकी ढेर सारे बच्चे वो तो तरसते हैं। तो पूछा, आप तो बाकी पहनती हो, आप जो बाकी पहनती हो
तो औरों को भी लेना पड़ेगा भाकी में। मुन्नी बहन ने यीशु दादी ने भी खास याद दी है। अच्छा, दादी के साथ सेवा के निमित्त बने हुए मुन्नी बच्ची, डॉक्टर जी और भी जो भाई बहने हैं दिल से सेवा कर रहे हैं, अच्छी सेवा कर रहे हैं। इसलिए दिल से सेवा करने वालों को बाप दादा दिलाराम की दिल से दुआएं, याद प्यार भी। परदादी के भी सेवादारियों को याद प्यार विशेष बाप दादा दे रहे, आप भी दे रहे हो ना। मुन्नी यीशु सरला योगिनी और साथ ही भी सेवा अच्छी कर रहे हैं, और हॉस्पिटल में जो भी ब्राह्मण आत्माएं हैं सेवा कर रही हैं, उन सब को याद किया। उसने कहा, मुन्नी बहन कह रही है 40 साल में बाबा पहली बार ऐसा हुआ है जो आप मधुबन में हो और हम बंबई में। बाप दादा आप सबको मधुबन में देख रहे हैं, कहां भी हो मधुबन में बाप के सामने, सामने है और सिर्फ फरिश्ते रूप में। कोई ने कहा, दादी भी बाबा को बाकी पहन गई विदेश की बड़ी बहनों से। बाकी माला क्या बात है? बाकी कहना गले मिलना है विदेश की बड़ी बहनों से। एक दो के विचार से विचार लेकर संगठित रूप में सेवा में चल रहे हो, इस बात की मुबारक। बाप दादा का जन्म से वरदान है। सब टेंशन मुक्त है। अगर इन्हों को टेंशन होगा तो दूसरों का क्या हाल होगा? इन्हों के पीछे तो लाइन है ना, इन्हों को तो टेंशन स्वप्न में भी नहीं, क्योंकि बड़ी लाइन है। वो तो है, लेकिन विश्व की भी लाइन है, बहुत बड़ी लहर फैलेगी। हेल्थ भी अच्छी है, वेल्थ भी बहुत है, हैप्पी भी है, सब हेल्दी है। बाप दादा को खुशी है कि भारत की बहनों ने विदेश को संभाल लिया। उन्होंने कहा, बंबई दिल्ली की भी कमाल है, गुजरात भी है, गुजरात का नाम भी तो रखो। कारोबार भी अच्छी चल रही है, गुजरात का नाम किस में रखो? भारत की बहनों ने तो विदेश को संभाल लिया है। उसी संदर्भ में कहा, कोई ने जब कहा कि बंबई दिल्ली की भी कमाल है संभालने वालों में, तो बाप दादा ने ऐड किया, इन सब की तो कमाल है लेकिन गुजरात भी है, गुजरात का नाम भी तो रखो। विदेश को संभालने में गुजरात को क्यों भूल जाते हो? क्यों गुजरात का नाम क्यों लिया?
अफ्रीका में जहाँ अच्छी सर्विस हुई वहाँ भी मुखिया कौन है? गुजरात है। इस बार जनवरी मास स्पेशल होगा। कोई ने बोला आगे का प्लान बताया। इस बार जनवरी मास ऐसा मनाओ जो विघ्न मधुबन विघ्न मुको का सर्टिफिकेट हो जावे और सभी को सर्टिफिकेट मिले। नवीनता करो। नवीनता करेंगे तो उड़ जावेंगे। अभी उड़ने का ही समय है क्योंकि अचानक कुछ भी हो सकता है। अभी हलचल का समय है। उस हलचल में आप अचल रहो। यही वाइब्रेशन आवे कि हम हलचल में हैं या अचल हैं। अचल होना ही है। अच्छा है, बहुत बहुत मुबारक। दादी शांतामणि, दादी मनोहर इंद्रा और दादी रतन मोहनी से आप तीनों त्रिमूर्ति मधुबन के निमित्त हो। मधुबन अर्थात उसमें सब आ गया। तो निमित्त समझ करके चलते चलो और उड़ते चलो। आदि रतन तो हो ना। तो आदि रतन इनमें आदि देव के संस्कार ऑटोमेटिकली भरे हुए। उन संस्कारों को प्रैक्टिकल में लाओ। सभी आप लोगों को देख करके कितने खुश हो जाते हैं। तो खुशी दे रहे हो और खुशी देते रहेंगे। बहुत अच्छा। दादी शांतामणि से शांतामणि दादी तो पांच चिड़ियाओं में भी है जो अभी निमित्त बनी है उनमें भी है। अच्छा ओम शांति। कट कर दिया लगता है। अभी इस बार की अमृतवाणी में जल्दी ही परिवर्तन का इशारा दिया है। बहुत जल्दी होना है। ज्यादा लंबा टाइम नहीं लगेगा। जल्दी में ही टू लेट का बोर्ड लगना है। इसलिए जो कुछ भी करना है तैयारी पहले ही कर लो। क्योंकि दादी ने जब सर्विस शुरू की थी भारत में तो कहाँ से सेवा शुरू हुई थी? दादी ने कहाँ से सेवा की शुरू? दिल्ली से तो सेवा शुरू हुई।
बेसिक नॉलेज भी। लेकिन कुमार का दादी ने सेवा कहाँ से शुरू की थी? बम्बई से। और जहाँ से सेवा शुरू की थी वहीं जाकर के अभी फिर बेड रेस्ट ले रही है। पीछे अव्यक्तवाणी में कह दिया माया अभी थक चुकी है। तो थकते हुए भी अपना लास्ट बार तो अजमाएगी। बड़ी बड़ी पुरानी सहयोगी बहने साहब बम्बई में उनकी अच्छी स्टेज देखी जा रही है, वो मधुबन संभाल रही है। जो बेसिक में है एडवांस में भी लागू होता है। बेसिक में हद में लागू होता है और एडवांस में बेहद में लागू होता है। और बाप दादा का प्रोग्राम माना, दादा माना, दादा लेकर आज जब बाप माना कौन राम बाप है। बाबा ने बोला है बच्चे जितनी मेरी याद में रहते हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी तो बच्चे ही है। ब्रह्मा की सोल गुलजार दादी में प्रवेश करती है तो याद में नहीं रहती क्या है? बल्कि साकार में जितना याद में दिखाई देती थी उसके मुकाबले गुलजार मोहिनी में जब प्रवेश करती है याद की स्टेज ज्यादा दिखाई देती है या कम दिखाई देती है? ज्यादा दिखाई देती है। तो जितना याद में हो उतना मैं तुम्हारे साथ हूं, इसलिए बाप दादा कहा जाता है। इसलिए ही जो भी वाणी निकलती है वो वाणी का एक एक अव्यक्त वाणी का महावाक्य साकार मुरली चलती थी उस मुरली के महावाक्यों से पैरेलल चलता है, क्रॉस नहीं करता कहीं। ये वंडरफुल बात है। नहीं तो दो आत्माएं होती है और दो आत्माएं जो भी बोलेंगी उन बातों में कहीं ना कहीं क्रॉस जरूर हो जाता है। लेकिन मुरली के पॉइंट्स में और अव्यक्त वाणी के पॉइंट्स में कहीं भी क्रॉस नहीं है। ऐसा किस आधार पे हो रहा है? ब्रह्मा की सोल याद में रह करके पार्ट बजाती है, इसलिए सब मुरली के अनुकूल ही बोला जा रहा है। सिर्फ इतना फर्क है कि मुरली साकार तन के द्वारा चलाई जाती थी चलाने वाला ज्ञान सागर था और अव्यक्तवाणी
सतयुग के पहले देवता के द्वारा चलाई जाती है, देवात्मा। इसलिए उस वाणी में धारणा की विशेषता होती है, ज्ञान की विशेषता उतनी नहीं होती। फिर भी कोई बात में काट नहीं हो सकता। इसलिए बाप दादा कहा जाता है। कोई कोई ये प्रश्न करते हैं, गुलजार दादी में शिव बाबा नहीं आते हैं तो फिर बाप दादा क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है कि ब्रह्मा की आत्मा बाप की याद में रह करके वाणी चलाती है। तो जितना याद है उतना मैं बच्चों के साथ हूं, इसलिए बाप दादा कहा जाता है। जोर से बोलो, सब सुने। वाणी के शुरुआत में जो बताया दो सिक्स फिक्स हो गई, और वो शुरुआत में नहीं बताया, तीसरे पेज में बताया। हाँ जी, दो सिक्स फिक्स हुई है वो अष्टदेवों में से दो बताया। हाँ जी, बाप और माँ बात का फिक्स हो चुका है तो माँ तो अष्टदेव में आता है। इस वाणी का क्लेरिफिकेशन इधर नहीं आया है अभी। अव्यक्त वाणी जो चली है आधा हिस्सा, उसका क्लेरिफिकेशन इधर नहीं आया है। क्लेरिफिकेशन इस बात का पूरा जवाब दिया गया है कि जो माँ बाप बताए गए हैं वो हर धर्म की विश्व आत्माओं के माँ बाप नहीं। दो साल से बाप दादा किससे बात कर रहे हैं? अष्टदेवों से बात कर रहे हैं। अष्टदेव कौन से विशेष वंश के हैं? सूर्य वंश के। तो सूर्य वंश के माँ बाप कौन है? जो सूर्यवंशियों का ग्रुप है उसमें भी तो कोई ओरिजिन होंगे, बाप तो है ही है, फिर माँ भी कोई होगी। इसलिए भक्ति मार्ग में शंकर की प्यारी नगरी है काशी नगरी मानी जाती है। इसलिए अव्यक्त वाणी में योगिनी बहन का कई बार नाम भी आया है। कृष्ण को, शंकर को योगी राज कहा जाता है, योगेश्वर कहा जाता है। तो फीमेल्स में भी सूर्यवंशियों में कोई योग में तीखी होगी ना। जैसे बोला है अव्यक्त वाणी में कि न दीदी दादियों का भी तुम अष्टदेवों ने श्रृंगार किया है यज्ञ के आदि में गुण रत्नों से। तो आज में श्रृंगार किया तो अंत में भी करेंगी। जो जिसका निमित्त होगा वो उसका श्रृंगार करेगा। तो विजयमाला में या रुद्रमाला में चंद्रवंश की कोई तो मुखिया होगी। उनको परदादी कहें या न कहें, बड़ा बाबा है तो बड़ी माँ भी तो है।
बड़ी माँ कहो, जगदम्बा कहो, ब्रह्मा कहो, अभी प्रैक्टिकल में होगी ना। जगदम्बा महाकाली का रूप धारण करती है, चंडिका का रूप धारण करती है, तो जगदम्बा की तामसी स्टेज कही जाए या महाकाली का रूप धारण करती है तब तामसी स्टेज कही जाए? विनाश का काम तामस से होता है या सात्विकता से होता है? जगदम्बा को दुर्गा भी कहा जाता है, दुर्गुणों को दूर करने वाली, ये तो सात्विक काम हुआ। और दुर्गुणों को दूर न करके जो दुर्गुण को धारण करने वाले हैं उन्हीं को ही खलास कर दिया जाए, पत्ता साफ कर दिया जाए, अच्छा क्या है? दुर्गुणों को दूर करना अच्छी बात है, या जो दुर्गुणी है उनका ही पत्ता साफ कर देना अच्छी बात है? दुर्गुणी को खलास करना है या उनके दुर्गुणों को खलास करना है? दुर्गुणों को खलास करती है तो सात्विक स्टेज है, और दुर्गुणी को ही खलास कर देती है तो तामसी स्टेज है। तो जो चंद्रवंश की हेड है उसमें ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा प्रवेश करके ये पार्ट बजाता है, इसलिए मुरली ने बोला है वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, क्योंकि ब्रह्मा की सोल प्रवेश होकर के चैतन्य आत्मा का पार्ट बजाती है, और जिसमें प्रवेश करती है वो शरीरधारी का पार्ट बजाता है। शरीर का नाम पड़ता है या आत्मा का नाम पड़ता है? शरीर का नाम पड़ता है। तो शरीरधारी का नाम जगदम्बा या महाकाली पड़ जाता है। वास्तव में उसके अंदर काम करने वाली शक्ति कौन? ब्रह्मा की सोल। तो ब्रह्मा की सोल जिस साकार तन में प्रवेश करके ये पार्ट बजाती है उसको तामसी से सात्विक बनाने वाला भी तो कोई होगा, प्रैक्टिकल में साकार में निमित्त तो कोई होगा कि नहीं? इसलिए बताया इन दादियों का भी श्रृंगार तुम अष्टदेवों ने किया है, आदि में गुण रत्नों से किया और अंत में ज्ञान रत्नों से करना है। और वही पुरुषोत्तम वर्ष, पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम दिन और घंटा घड़ी, ये क्या है? जब प्रत्यक्षता होती है तो पुरुषोत्तम बनने की पुरुषोत्तम घड़ी होती है, वो घड़ी भी कोई दिन में ही समाई हुई होगी। जिस दिन प्रत्यक्षता होती है वो दिन पुरुषोत्तम दिन गिना जाता है, वो दिन कोई महीने में नुदा होगा, इसलिए वो पुरुषोत्तम मास गिना हुआ है, वो महीना भी कोई खास वर्ष में नुदा हुआ होगा। जब बाप की प्रत्यक्षता होती है, ऐसे तो सन 76 में बाप की प्रत्यक्षता हुई, लेकिन बाप एक मूर्ति बाप है, दो मूर्ति बाप है या त्रिमूर्ति बाप है? बाप की असली प्रत्यक्षता तब कही जाए जब तीनों मूर्तियां प्रत्यक्ष हों। अब वो समय आने वाला है, बाप अकेले आते हैं या तीन मूर्तियों के साथ आते हैं? तीन मूर्तियों के साथ आते हैं। तो संसार में जब बच्चा पैदा होता है तभी तो प्रत्यक्षता मानी जाती है, या जब गर्भ में आता है तब प्रत्यक्षता मानी जाती है? बच्चा गर्भ में आता है तब थोड़ी प्रत्यक्षता मानी जाती है।
जन्म नहीं माना जाता। ऐसे ही शिव बाप तीन मूर्तियां जब प्रत्यक्ष होती हैं संसार में इकट्ठी, तब कहा जाता है त्रिमूर्ति शिव की प्रत्यक्षता। अभी वो कार्य हुआ है या होना है? होना है।